ईरान के लिए काम करने के आरोप में अमेरिका ने दर्जनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें कुछ कंपनियां भारत की भी हैं, जिन पर आरोप है कि ये सभी ईरानी सेना के लिए काम कर रही थीं। ये कंपनियां अमेरिका में अवैध व्यापार और ट्रांसफर करने में ईरान की मदद करती थीं। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है उनमें से 3 भारत की भी हैं। अमेरिका ने ये कार्रवाई 25 अप्रैल को की। अमेरिका की ट्रेजरी विभाग ने बताया ये बैन भारत के अलावा कई दूसरे देशों की कंपनी, लोगों और जहाजों पर लगाया गया है। ये सभी गुप्त तरह से रूस तक ईरानी ड्रोन्स की डिलीवरी में अहम भूमिका निभाते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए किया जाता है। जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें से जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और शी आर्ट शिप मैनेजमेंट कंपनी शामिल हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन में ईरानी मानव रहित हवाई वाहनों की गुप्त बिक्री को आसान बनाने और फाइनेंस करने में अहम भूमिका निभाई है। आरोप है कि ये काम ईरान के रक्षा और सशस्त्र बल मंत्रालय के लिए किया गया था, जो खुद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करता है। अब मामला क्या है वो जान लीजिए। इन सभी कामों के पीछे सहारा थंडर कंपनी का नाम सामने आया है। ये कंपनी ईरान मंत्रालय के अंडर काम करती है और उसके व्यवसायिक गतिविधियों की देखरेख भी करती है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है सहारा थंडर चीन, रूस समेत कई देशों में ईरानी वस्तुओं की बिक्री और शिपमेंट में शामिल है। सहारा थंडर का समर्थन करने के लिए 3 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें जैन शिपमेंट, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और शी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान लगातार क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है। वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में उसका साथ दे रहा है और इसराइल पर हमले कर रहा है। इसके अलावा आतंकी संगठन तक अपने ड्रोन्स भी पहुंचा रहा है। बता दें अमेरिका लगातार ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो ईरान के मंसूबे को पूरा करने में उसकी मदद कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी ईरान के साथ बिजनेस डील करने में चेतावनी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इसके बदले में वो पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा सकते हैं। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। पाक पीएम शहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड को $10 अरब पहुंचाने पर सहमति बनी थी। इसी से नाराज होकर अमेरिका ने कहा था कि जो भी ईरान का साथ देगा व्यापार करने में उस पर बैन का खतरा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।